Hey everyone, welcome to Biology Aties. सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है ये जानकर कि बच्चे अभी से ही नीट 2021 के लिए सीरियस होने लग गए हैं। अभी तक मेरा पूरा फोकस था कि मैं नीट 2021 और नीट 2022 इन दोनों सालों के लिए ही प्रेपरेशन वीडियो अपलोड करूंगी, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दी प्लीज़ नीट 2023 के लिए भी एक स्टडी प्लान वीडियो अपलोड करो। तो मुझे जानकर अच्छा लगा कि आप इनिशियल स्टेज से ही अपने नीट के पेपर के लिए सीरियस हो रहे हो। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि नीट 2023 की प्रेपरेशन करते हुए आपको किस तरीके से स्टडी प्लान बनाना है, किन यूट्यूब चैनल्स की आप मदद ले सकते हो, कौन सी रेफरेंस बुक आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, कोचिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है, इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। पहली चीज तो ये है कि देखो, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों के तो एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, क्लास 10 के एग्जाम्स। तो आप लोगों को तो एक क्लियर कट रास्ता दिख गया है भाई कि मुझे क्लास 11 की तैयारी शुरू करनी है, लेकिन काफी स्टेट बोर्ड वालों ने अभी अपने एग्जाम पोस्टपोन कर रखे हैं। अब बच्चे ये सोच में फंस गए हैं कि यार मैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ूं या फिर क्लास 11th शुरू करूं। देखो, नॉलेज कभी बर्बाद तो बिल्कुल नहीं जाती है। अगर आपके क्लास 10th के एग्जाम्स इन केस कैंसिल भी हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि क्लास 10 में जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा वो बर्बाद जाएगा, वो आपकी क्लास 11th की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में काफी ज्यादा काम आएगा। तो अगर आपको अभी तक ये कंफ्यूजन है कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम का सिलेबस मैं कंप्लीट करूं या फिर क्लास 11th की पढ़ाई शुरू कर दूं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जिन बच्चों के अभी बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं, वो अभी अटके हुए हैं कि पोस्टपोन होगा एग्जाम या फिर कैंसिल होगा, कब होगा ये नहीं पता है, वो मे मंथ में अपना क्लास 10th बोर्ड का सिलेबस पूरा कर ले। इस मई के महीने में ठान ले कि मई मंथ खत्म होने से पहले मेरे क्लास 10 का बोर्ड का सिलेबस स्पेशली साइंस और मैथमेटिक्स का एकदम कंप्लीट मैं कर लूंगा, क्योंकि ये साइंस और मैथ्स कहीं ना कहीं मेरे क्लास 11th में काम आने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि क्लास 11th में तो मैं पीसीएम लेने ही नहीं वाला हूं, तो ये मैथ्स कहां काम आएंगी भाई, फिजिक्स तो करोगे और फिजिक्स के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैथ्स आना तो जरूरी है और क्लास 10th की मैथ्स तो बेस है, तो क्लास 10th की मैथ्स करनी ही करनी है। तो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे जो कि अभी इस कंफ्यूजन में है कि मेरे बोर्ड एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे, वो मे मंथ खत्म होने तक अपना क्लास 10th का साइंस का और मैथमेटिक्स का प्लीज पूरा सिलेबस जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये पढ़ाई आपके क्लास 11th में भी काम आएगी। इसी के साथ साथ हर महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो एक टारगेट रख ले कि एक हफ्ते में क्लास 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसी भी एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर कर ले। सपोज आपको लग रहा है कि यार बायोलॉजी में फिर भी क्लास 11th की कर लूंगा, तो आप लोगों को क्या करना है, मई के महीने में क्लास 10th की साइंस और मैथमेटिक्स तो कंप्लीट करनी है, साथ ही हर हफ्ते क्लास 11th बायोलॉजी का एक चैप्टर इस हफ्ते, एक चैप्टर सेकंड वीक, एक चैप्टर थर्ड वीक, एक चैप्टर फोर्थ वीक करना है। इस तरीके से मई मंथ में आप लोग 10th का सिलेबस भी कर चुके होंगे और क्लास 11th बायोलॉजी के एटलीस्ट 4 चैप्टर्स तो कर चुके होंगे। और जो बच्चे क्लास 11th में आ गए हैं वो लोग तो पढ़ाई करना शुरू कर लें, क्लास 11th को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें, एनसीईआरटी की रीडिंग करना शुरू कर दें। जहां जहां पर उनको चीजें समझ नहीं आ रही है, उन टॉपिक्स का बेस क्लियर करने के लिए यूट्यूब वीडियोस या फिर अपनी क्लास 10th की बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं। क्लास 10th अभी ही क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, वरना ऐसा ना हो कि क्लास 11th में पहुंचने के बाद जब तुम्हें बेसिक से समझ नहीं आ रहे हैं तो तुम्हें क्लास 11th में रहते हुए क्लास 10th का सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है ना। तो बेस पहले से ही क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट चीज मैं बात करती हूँ कि आप लोगों को कोचिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। अब कोविड की वजह से अगर आप अभी से कोचिंग ज्वाइन करने की भी सोच रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि जुलाई महीने से पहले कोई भी कोचिंग सेंटर अपनी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करने वाला है। तो फिलहाल के लिए अगले 3 महीने तक तो ये सोच लीजिए कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि एक पेज पर जिस तरीके से मैंने ये चार्ट बनाया है, आप लोग ये टेबल बनाएं और फिर देखें कि आपको किस कॉलम में यस मार्क करना है, किस में नो मार्क करना है, और काउंट करें कि ज्यादा चांसेस कहां आ रहे हैं, कोचिंग के फेवर में यस आ रहे हैं या फिर आप कोचिंग के अगेंस्ट जा रहे हो। सबसे पहली चीज जो आपको कंसिडर करनी है वो है ऑनलाइन क्लासेस। अगले 3 महीने तक आपके स्कूल की क्लासेस भी अगर शुरू होती है क्लास 11th की, तो वो ऑनलाइन ही होने वाली है, कोचिंग भी ऑनलाइन चलने वाली है। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के साथ कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस मैनेज कर पाओगे। इफ द आंसर इज यस तो यस पे मार्क करो, अगर नो है तो नो पे मार्क करो। दूसरी चीज देखो, ऐसा होता है कि आपके स्कूल में जो सिलेबस चल रहा होगा, से फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में बायोलॉजी का चैप्टर 1 पहले पढ़ाया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि कोचिंग का सिलेबस भी कहेगा कि चैप्टर 1 से शुरुआत करनी है। क्या पता कोचिंग में बायोलॉजी की लास्ट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले पढ़ा दी जाए, तो क्या आप डिफरेंट सिलेबसेस को बैलेंस कर पाओगे? कोचिंग का सिलेबस अलग चलेगा, यानी कि कोचिंग में हो सकता है कि चैप्टर नंबर 5 से पढ़ाई शुरू करी जाए, स्कूल में क्या पता चैप्टर नंबर 1 या 2 से पढ़ाई करी जाए, तो क्या आप इस डिफरेंट सिलेबस को मैनेज कर पाओगे? यस या फिर नो फिल कर लीजिएगा।
फी स्ट्रक्चर। कोविड ने हमें एक चीज तो सिखा दी है कि पैसा सेव करना, फिजूल खर्च ना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस टाइम पर मैं ये कहूंगी कि भाई आप देखें कि अगर आप कोचिंग अटेंड कर रहे हो, कोचिंग में अगर हजारों लाखों रुपए लगा रहे हो तो वो लाखों रुपए लगाना वर्थ भी होना चाहिए। अगर आप 1 लाख कोचिंग की फीस दे रहे हो, सपोज ये 50-60 हजार कोचिंग की फीस दे रहे हो, तो उस लायक मेहनत करोगे? उस 1-2 साल की 50-60 हजार की कोचिंग का निचोड़ तुम निकालोगे? अगर तुम्हें लगता है कि कोचिंग की फी अगर मैं दे रहा हूँ तो वो पैसा मैं अपनी मेहनत से वसूलूंगा, तो फिर यस मार्क करो। अदरवाइज फिलहाल के लिए कोचिंग वाले प्लान को थोड़ा सा डिले कर लो, फिलहाल के लिए 2-3 महीने, जब तक आप घर पर हो, जब तक स्कूल जाना या फिर ऑफलाइन कोचिंग जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, सेल्फ स्टडी करके देखो। अगर आपको लग रहा है कि सेल्फ स्टडी से नहीं हो पाएगा, स्कूल भी ओपन हो जाएंगे कुछ टाइम में, अगर आपको लग रहा है कि आपके स्कूल टीचर्स भी आपके डाउट्स क्लियर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, फिर सोचना कि ठीक है कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन अभी से अगर कोचिंग ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो फिर ठान लेना कि कोचिंग में जो 1-1 रुपए मैं लगा रहा हूँ वो 1-1 रुपए मैं अपनी मेहनत से वसूलूंगा। हर दिन के पैसे का निचोड़ मुझे निकालना है। अगर हर दिन के पैसे का निचोड़ निकाल सकते हो तो कोचिंग ज्वाइन करना, अदरवाइज कोचिंग वाले प्लान को थोड़ा साइड रख लीजिए, थोड़ा डिले कर लीजिए। लास्ट चीज जो आपको कंसिडर करनी है, सेल्फ स्टडी। देखो क्लास 11th डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकल बात करूंगी, सच्चाई आपको बोलूंगी कि क्लास 11th डिफिकल्ट है। 10th के कंपैरिजन में तो क्लास 11th ऐसे लगती है कि ये कहाँ का सिलेबस आ गया है, सब कुछ बदला बदला सा लगेगा। क्लास 11th में जब लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर्स आप पढ़ोगे, वो क्लास 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में 7 चैप्टर्स जो है उनमें आप पढ़ोगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 11th का सिलेबस है ना, उस क्लास 11th के डाइजेस्टिव सिस्टम का 5% पार्ट है जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था, बाकी 95% आपको क्लास 11th में ही पढ़ना पड़ेगा। तो क्लास 11th डिफिकल्ट है। क्लास 11th की डिफिकल्टी क्या आपसे सिर्फ सेल्फ स्टडी से मैनेज हो पाएगी? क्या इनिशियली आप ये रिस्क लेने के लिए रेडी हैं कि 2-3 महीने सेल्फ स्टडी करते हुए क्लास 11th के इजी चैप्टर्स पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद डिसाइड करूंगा कोचिंग करनी है या फिर नहीं करनी है? अगर आप रेडी हैं इस रिस्क को लेने के लिए कि इनिशियली मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करके देखता हूँ, तो फिर यस मार्क करिए, अदरवाइज नो मार्क करिए। तो ये 4 पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं। ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल और कोचिंग की बैलेंस कर पाओगे? इफ यस, यस पे टिक करो, वरना नो पे टिक करो। डिफरेंट सिलेबस होगा कोचिंग का भी और आपके स्कूल के क्लासेस का भी, मैनेज कर पाओगे? फी स्ट्रक्चर, अभी से पैसे अगर लगा रहे हो तो वो पैसा हर दिन वसूलोगे या फिर नहीं वसूलोगे? यस या नो। लास्ट चीज, शुरुआत में खुद को एक मौका देना चाहते हो कि सेल्फ स्टडी से तैयारी करके देख लेता हूं, अगर लग रहा है कि नहीं हो रही है तो फिर जुलाई अगस्त में या फिर 12th से मैं कोचिंग शुरू कर लूंगा, ये आपको डिसाइड करना होगा। तो ये है आपके फैक्टर्स जो कि आपको कंसिडर करने हैं कि कोचिंग लेनी है अभी से या फिर नहीं लेनी है। कुछ हैबिट्स जिनको आपको स्ट्रिक्टली नो कहना है। पहली चीज, स्किपिंग एनसीईआरटी। ये स्किपिंग एनसीईआरटी वाली चीज स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए रहती है। काफी स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि दी हमारी मेन टेक्स्ट बुक्स तो अलग है, तो हम अपनी मेन टेक्स्ट बुक्स पढ़े या फिर एनसीईआरटी पढ़े? देखो क्लास 11th का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से, एनसीईआरटी में मेंशन सिलेबस से एकदम डिफरेंट तो होगा नहीं। अगर क्लास 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी एनसीईआरटी में दी हुई है तो स्टेट बोर्ड में भी ह्यूमन फिजियोलॉजी होगी। आप अपनी स्टेट बुक के बुक्स को ज्यादा ध्यान देते हुए पढ़ो ताकि आपके क्लास 11-12 की प्रिपरेशन आपके मेन टेक्स्ट बुक से हो। लेकिन अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी स्टेट बोर्ड के बुक से पढ़ रहे हो तो उसी डाइजेस्टिव सिस्टम को एनसीईआरटी से भी रीड करो। इन शॉर्ट, एनसीईआरटी खरीदनी ही खरीदनी है, चाहे क्लास 11th हो या फिर क्लास 12th हो, क्योंकि आपका पूरा का पूरा नीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है। नेक्स्ट चीज, इनकंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं होना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर दिन 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे अभी से पढ़ो, हर दिन 1-2 घंटे पढ़ो चलेगा, लेकिन हर दिन आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। केयरलेस एटीट्यूड, अगर आप लोग इस धोखे में हो कि नीट 2023 तो 2 साल बाद होगा, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ध्यान रखना, नीट 2023 सिर्फ वो स्टूडेंट्स नहीं देंगे जो कि अभी क्लास 11th में है और फर्स्ट टाइम नीट का अटेम्प्ट देंगे, वो नीट 2023 में। नीट 2023 ड्रॉपर स्टूडेंट भी देंगे, वो बच्चे भी देंगे जिनका नीट 2021 या फिर नीट 2022 अच्छा नहीं गया, वो बच्चे भी देंगे जिनके पास आपसे ज्यादा नॉलेज, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। किस तरीके का एक्सपीरियंस? उन्हें नीट के एग्जाम में 3 घंटे उस एग्जामिनेशन हॉल में कैसे टाइम मैनेज करते हुए पेपर देना है, उनके पास ऑलरेडी 1-2 साल का वो चीज का एक्सपीरियंस होगा, उनको पता होगा कि किस तरीके से अब मुझे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा नीट 2023 में, तो प्लीज ये सोचकर केयरलेस बिल्कुल भी मत होइएगा कि नीट 2023 में 2 साल है, आराम से पढ़ाई हो सकती है। ये आराम वाला थॉट आ रहा है तो आप पहले स्टेप में हार रहे हो, अपने गोल से दूर हो रहे हो, बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना है। लास्ट चीज,
नेगेटिव माइंडसेट बिल्कुल भी मत रखना बेटा। ये मत सोचो कि 11th का सिलेबस देखकर, मान सकती हूँ 11th का सिलेबस देखकर एकदम वैसा हाल होने वाला है कि धड़ती हिल गई, भाई ये सिलेबस कहाँ से आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। कुछ कुछ चैप्टर्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन यही वो टाइम है जब आपको खुद को समझाना है कि अगर मेरे लिए ये सिलेबस न्यू है, अनोखा है, तो सबके लिए है। हर कोई 11th में पहली बार ही जा रहा है, सबके लिए 11th डिफिकल्ट हो रही है, तो नेगेटिव मत सोचो। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो उसका सलूशन निकालने पर फोकस करना, और हमेशा ध्यान रखना कि नीट 2023 में डॉक्टर बनना है, वो व्हाइट कोट स्टेथोस्कोप पाना है, तो अभी से क्यों एक हैप्पी हेल्दी प्रेपरेशन में करूँ। तो इन हैबिट्स को एकदम बाय बाय कर देना, तब जाकर आप नीट 2023 के करीब हो सकोगे। नेक्स्ट चीज, सेल्फ स्टडी वाले चैप्टर्स कौन से हैं? अभी फिलहाल के लिए आप लोगों ने अगर ये सोचा है कि कोचिंग भी अटेंड नहीं करनी है, स्कूल में भी क्लासेस शुरू नहीं हो रही है, तो कुछ चैप्टर्स बता रही हूँ क्लास 11 सिलेबस के, जो कि आप सेल्फ स्टडी से इजिली कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी और यूट्यूब लेक्चर्स की हेल्प से आप इन चैप्टर्स को समझ सकते हैं। फिजिक्स में फिजिकल वर्ड एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये काफी ईजी चैप्टर्स हैं, बेसिक्स है इसमें, तो ये आप खुद से कर पाएंगे। केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो है बेटा, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा था, तो उसको ही थोड़ा डिटेल में आप यहाँ पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर केमिस्ट्री के आप सेल्फ स्टडी की हेल्प से कर सकते हैं। बायोलॉजी फिर भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, अगर बायोलॉजी आपका हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है तो बायोलॉजी के काफी चैप्टर्स आप खुद से इजिली कर पाएंगे। फिर भी कुछ चैप्टर जो कि हर बच्चा खुद से कर सकता है, पहला द लिविंग वर्ल्ड, सुपर इजी, सबसे छोटा चैप्टर क्लास 11 के सिलेबस से, और नेक्स्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट यूनिट। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट यूनिट में आपके 7 चैप्टर्स आएंगे, जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि आपने क्लास 10 में लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था, वही चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग भी है, खुद की बॉडी के बारे में जानना है तो ये वाली यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी और ये चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड आप सेल्फ स्टडी से इजिली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्यूब चैनल्स की। मैं किसी भी चैनल का पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं इतने सालों से बच्चों को गाइडेंस दे रही हूँ नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ कि हाँ इन चैनल्स ने बच्चों की काफी हेल्प करी है, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स के लिए फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल फिजिक्स गैलेक्सी, अन अकेडमी नीट, मनदीप एजुकेशन अकेडमी, फिजिक्स के लिए आप ये चैनल्स देख सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए नीट केमिस्ट्री वीवाइज क्लासेस कोटा, ग्रेविटी सर्कल, अन अकेडमी नीट, वेदांतु नीट मेड EJEE। बायोलॉजी के लिए बात करें तो बायोलॉजी के आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है तो नीला बहो ट्यूटोरियल्स काफी अच्छा चैनल है, अन अकेडमी नीट टॉपर्स, वेदांतु बायोटॉनिक, लेट्स क्रैक नीट यूजी के अंदर ऋतु रतेवाल मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन, ये आपके यूट्यूब चैनल्स है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज रेफरेंस बुक की बात करते हैं। रेफरेंस बुक से पहले एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आपके लिए बाइबल है, राम बाण है नीट की प्रेपरेशन के लिए। फिजिक्स के लिए बात करें तो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय DC पांडे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा, फंडामेंटल्स फिजिक्स बाय प्रदीप, ये तीनों बुक काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। क्लास 11th की फिजिक्स अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है और आपको ऐसा है कि यार पहले मुझे थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तो आप फंडामेंटल फिजिक्स बाय प्रदीप खरीद लीजिएगा, इसमें थ्योरी काफी अच्छे से दी हुई है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री बाय OP टंडन, कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय JD Lee, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मॉरिसन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय MS चौहान, ये दोनों बुक्स अच्छी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, मॉरिसन और MS चौहान। आप जब भी बुक परचेज करने जाएं एक बार रीड करके देखें, या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो रिव्यूज देखें, किसके रिव्यू आपको सही लगते हैं वो बुक आप खरीद लीजिएगा। दोनों बुक बेस्ट बुक्स कंसिडर करी जाती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी के लिए ट्रूमेंस बायोलॉजी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस बच्चे देते हैं, उसके बाद बेसिक्स क्लियर करने के लिए प्रदीप्स पब्लिकेशन, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय दिनेश, MTG NCERT एट योर फिंगर टिप्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो LTS Vortex पब्लिकेशन की नीट 33 ईयर सॉल्व पेपर्स आते हैं, इसी के साथ साथ दूसरी बुक है ओसवाल बुक्स के नीट 33 ईयर सॉल्व पेपर्स, ये दोनों पब्लिकेशंस काफी ज्यादा अच्छे हैं, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो चैप्टर वाइज नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई पढ़ाई कैसे करनी है। क्लास 11 की जब पढ़ाई शुरू हो जाएगी, आपकी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएगी, साथ ही अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है, किस तरीके से आपको मैनेज करना है। स्कूल में हर दिन जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा बेटा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, क्लास खत्म होने के बाद हर दिन
स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आप रिविजन करोगे। अगर आपने कोचिंग भी अटेंड कर ली है तो कोचिंग में जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे उसका भी आप रिविजन करोगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्कूल और कोचिंग को बैलेंस करना क्लास इलेवेंथ में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो सोच समझ के कोचिंग ज्वाइन करिएगा। क्योंकि हो सकता है कि स्कूल में आज चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया गया बायोलॉजी से, लेकिन कोचिंग में चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया गया, तो आपको हर दिन चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक भी रिवाइज करने होंगे और चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक भी रिवाइज करने होंगे, तो थोड़ा दिक्कत तो आएगी। लेकिन अगर आप रेडी हो तो ही कोचिंग अटेंड करिएगा। तो स्कूल का रिवीजन भी डेली होना चाहिए और कोचिंग में डेली जो पढ़ाया जाए उसका भी आपको डेली रिवीजन करना है। नेक्स्ट चीज, डेली टारगेट रखते हुए पढ़िएगा कि आज मुझे बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स खुद से पढ़ने हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार सेल्फ स्टडी वाले टॉपिक्स में खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, तो स्कूल में या फिर कोचिंग में जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको ही अपने डेली टारगेट्स में रखो और उनको ही खूब अच्छे से पढ़ो। जब तक आपकी स्कूल की क्लासेस और कोचिंग की क्लासेस शुरू नहीं होती है तब तक आपके डेली टारगेट्स में ये सारे चैप्टर्स आने चाहिए जो कि मैंने बताए हैं। इन चैप्टर्स में से कोई भी एक चैप्टर डिसाइड कर दो। सपोज आपने सोचा है कि इस हफ्ते द लिविंग वर्ड चैप्टर में पढ़ूंगा, तो मंडे को द लिविंग वर्ड के शुरू के 2 पेजेस का मैं टारगेट रखता हूँ। ट्यूजडे को नेक्स्ट 2 पेजेस कर दूंगा द लिविंग वर्ड के। वेंसडे को पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा द लिविंग वर्ड। तो ऐसे ही डेली टारगेट रखते हुए आपको तैयारी करनी है। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिएगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है उस चैप्टर से रिलेटेड नीट के मिनिमम पिछले 10 साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा। इससे आपके नीट एग्जाम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। लास्ट चीज, स्टे हेल्दी। ये हेल्दी सिर्फ फिजिकली हेल्दी रहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेंटली और इमोशनली भी हेल्दी रहिएगा। ये सोच लीजिए कि अगर नीट 2023 क्रैक करने की ठान ली है तो फिर ये गोल डगमगाना नहीं है। चाहे कितने भी डिस्ट्रैक्शंस होए मैं बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा, मैं मेरे टारगेट पे कंप्लीटली फोकस्ड रहूंगा। तो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली सुपर स्ट्रांग रहो और हैप्पी हेल्दी प्रेपरेशन करो। लास्ट में एक बहुत प्यारा सा कोट मुझे गूगल बाबा ने सजेस्ट किया, लेट योर हार्ड वर्क प्रोपेल यू टू अ स्पीड सो दैट गुड लक हैज नो चांस बट टू राइट विद अ विनर लाइक यू। अपनी मेहनत से अभी से ही नीट की प्रेपरेशन को इतना स्ट्रांग कर लो कि ये गुड लक खुद आपके पीछे पीछे भागे। नीट 2023 की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट खुद तुम्हारे पीछे भागे कि आई एम वेटिंग फॉर यू, आओ, यू डिजर्व इट, क्योंकि तुमने उसके लिए मेहनत करी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2023। आई होप आप क्लास 11 से ही जितनी सीरियसनेस अभी दिखा रहे हैं कि ड्यू टाइम टेबल बताओ, स्टडी प्लान बताओ, मुझे पढ़ना है, यही सीरियसनेस आप अगले 2 साल तक मेंटेन्ड रखें और अपने नीट के पहले अटेम्प्ट में ही मेडिकल एस्पिरेंट से मेडिकल स्टूडेंट बनकर बताएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि रेगुलरली आप सभी के लिए वीडियोस अपलोड करती रहूं। मैं अनकैडमी पर हर अल्टरनेट डे नीट प्रिपरेशन के लिए क्विजेस भी कंडक्ट करवाती हूं, एकदम फ्री क्विज कंडक्ट करवाती हूं। आज मैं क्लास 12 के जेनेटिक्स चैप्टर की क्विज करवा रही हूं। मान सकती हूं कि क्लास 12th का चैप्टर तो अभी आप लोगों ने करा नहीं होगा, लेकिन मई मंथ में मैं क्लास 11th के चैप्टर्स की क्विजेस भी कराऊंगी। तो मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको टाइम मिले तो आज की क्विज देखिएगा अटेंड करके और जानिएगा कि आपके जो सीनियर्स हैं जो कि नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं किस तरीके से उनकी तैयारी चल रही है। और उसके बाद जब मई के महीने में मैं क्लास 11th के चैप्टर्स की क्विज कराऊंगी तो वहां पर मुझे अटेंड करिएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।